हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स दिस चैप्टर्स फ्रॉम योर टेन स्टैंडर्ड्स मैथमेटिक्स एन सीआर टी तो आइए स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट देखिए एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स सो फार वी हैव कैलकुलेटेड द एरियाज ऑफ डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली लेट्स नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स सो वी कैम अक्रॉस दीज टाइप्स ऑफ Figures in our daily life and also in the form of various interesting designs. So, floor beds, drain covers, window co designs, designs on table covers are some of such examples. So, we will illustrate the process of calculating areas of these figures through the same examples. Okay, some examples. So, example number four here. two circular floor beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meters. If the center of each circular फ्लोर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ देखिए यहां पर इंटरसेक्शन ओ दिख रहा है ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वेयर लॉन फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लोर बेड्स ओके इसके लिए आपको क्या चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपको यहां पर यह जो सेक्टर दिख रहा है इसका अगर एरिया पता चला आप इससे आसानी से निकाल सकते हो अगर आपके पास ट्रैंगल का एरिया है उससे भी आप निकाल सकते हो सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकते हो ठीक है तो इसका सोलूशन देखिए एरिया ऑफ द स्क्वेयर लॉन ए बी सी डी इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर सो वी गेट यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज ईक्ल टू एक्स मीटर्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर तो स्क्वायर इज इक्वल टू वी गेट ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई विद फिफ्टी सिक्स नव एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए भी क्या हो जाएगा नाइन्टी अपॉइन थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई पाई एक्स स्क्वायर सो वन बाय फोर पाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया सो so यहाँ पर वैल्यू डाली एक्स की तो ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स सो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ओके तो ओ ए बी यहाँ पर मिला हमें कितना वन वन फोर मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स ओके so uh, area of floor bed ab is equal to 1 by 4 multiply with 22 by 7 multiply with 28 multiply 56 minus 1 by 4 multiply 56 multiply with 56 so 1 by 4 28 multiply with 56 in bracket 22 upon 7 minus 2 so 1 by 4 multiply with 28 multiply with 56 multiply with 8 by 7 similarly area of the other floor bed is equal to 1 by 4 28 multiply with 56 मल्टीप्लाई विद एट बाई सेवन ओके सो स्टूडेंट्स देयर फोर टोटल एरिया फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई विद फिफ्टी सिक्स प्लस वन बाई फोर मल्टीप्लाई विद ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई विद्टी सिक्स मल्टीप्लाई विद एट बाई सेवन प्लस वन बाई फोर मल्टीप्लाई विथ ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई विद फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई विथ एट बाई सेवन सो स्टूडेंट्स फ्राम फाइव एंड सिक्स से हमने लिखा सो देर फोर वी गेट बाय द कैलकुलेशन फोर थाउजेंड एंड थर्टी टू मीटर स्क्वायर जो हमने अभी लर्न किया वही तो हमने यहाँ पर यूज़ किया अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर ओडीसी निकालिए एंड एरिया ऑफ ट्रैगल ओ एडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा ओके देन नेक्स्ट है a, B, C, a, B, C, 14, 14, cm, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट सिक्सटीन वेर ए बी सी डी इज अ स्क्र ऑफ साइड फोर्टीन सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी इज इक्वल टू फोरटीन मल्टीप्लाई विद फोरटीन वन नाइनटी सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा स्क्वेयर में डायमीटर ऑफ ईस्ट सर्कल फोर्टीन बाई टू सेवन सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ईस्ट सर्कल सेवन बाई टू सो एरिया ऑफ वन सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर उससे हमें मिला 77 सेवन बाई सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई करिए फोर से तो एरिया फोर सर्कल्स मिल जाएगा 154 फिफ्टी यहाँ पर आ जाएंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन 196 नाइन्टी माइनस वन वी गेट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आसान था ना स्क्वायर का एरिया निकाला उनमें उन से हमने इस सर्कल के एरिया को सब ट्रैक किया हियर ऑल्सो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द

100 minus 3.14 multiplied with 25, so we get 21.5 centimeter square. Similarly, area of second, here area of second, uska plus area four uh, is equal to 21.5 centimeter square. So the area of shaded region here what Area of ABCD minus area of 1, 2, 3, 4. So 100 minus 2 multiplied with 21.5, so we get 57 centimeter square. So students, in this chapter you have studied the following point circumference of a circle 2 pi r, area of a circle pi r square, length of an arc of a sector of a circle with a radius r and angle with a degree major theta is theta by 360 multiplied with 2 pi r. Area of a sector of a circle with a radius r and angle with a degree major theta is theta by 360 multiplied with pi r square. Area of segment of a circle is equal to area of a corresponding sector minus area of the corresponding triangle. तो इसके साथ ही आज का लेक्चर नंबर थ्री हमारा यहाँ पर ही एंड हुआ तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू